टू दी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 40 वोल्ट वेरिएबल पावर सप्लाई यूजिंग प्रोटियस 8। यहाँ पे मैंने प्रोटियस सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। इसमें हम सिमुलेशन भी कर सकते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम भी बना सकते हैं और पीसीबी डिजाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपोनेंट मोड में आ जाना है, देन यहाँ पे पिक डिवाइस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पिक डिवाइस विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक एसी सोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे एक वी साइन टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का एसी वोल्टेज सोर्स मिल जाएगा। ओके, देन हमें यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर चाहिए जिसकी मदद से हम वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी का एक सिंपल ट्रांसफॉर्मर चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी का एक सिंगल 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर है, तो इसे भी ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक साइन वेव सोर्स जो हम 230 वोल्ट का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है जो कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देन हम यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर डिजाइन करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं 1N4007 डायोड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 1 एम्पियर का 1 kV रेटिंग का एक डायोड है 1N4007, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसे भी ऐड कर लेते हैं। रोटेट करने के लिए सिंपली आप प्लस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। 4 डायोड की मदद से हम यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर डिजाइन करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन आप सिंपली दे सकते हो। तो ये ब्रिज ऑटोमेटिक डिजाइन हो जाएगा। यहाँ पे हम एसी सोर्स कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। इसके साथ हम यहाँ पे रेक्टिफायर के साथ इस रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा वो हमें मिलेगा पल्स सेटिंग डीसी। इसे हम फिल्टर करने के लिए यूज करने वाले हैं एक कैपेसिटर। ओके, तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 1000 माइक्रोफेराडे एंड 63 वोल्ट। ओके, तो ये हमारा कैपेसिटर है जिसकी मदद से हम यहाँ पे इसे फिल्टर करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे 1.1 एम्पियर का रेटिंग बनेगा। तो ये इसे भी हम ऐड कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये लाइनिंग इंडिकेट की गई है वो नेगेटिव प्लेट इंडिकेट करती है। देन इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा फिल्टर हो गया है। सबसे पहले हमारा एसी सोर्स था, इस एसी सोर्स में हम यहाँ पे वोल्टेज सेट कर लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे सेट करेंगे 35 वोल्ट। देन यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। ट्रांसफॉर्मर हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे हम स्टेप डाउन का रेटिंग ऐड नहीं करने वाले। और यहाँ पे हो गया हमारा फिल्टर, सॉरी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे अभी हम इसके वोल्टेज रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट मोड। इंस्ट्रूमेंट मोड में यहाँ पे हमारे पास है डीसी वोल्ट मीटर। तो डीसी वोल्ट मीटर हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे इसके डीसी वोल्टेज रीड कर सके। तो ये हो गया। देन हम यहाँ पे एक ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं। तो ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे टर्मिनल मोड में आ जाना है। टर्मिनल मोड में आपको यहाँ पे ग्राउंड मिल जाएगा, यहाँ से आप ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड। सिमुलेशन रन करने के लिए आप यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका सिमुलेशन स्टार्ट होगा तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 33 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करने हैं तो आप यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक करके इस वैल्यू को इंक्रीज करते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 40 वोल्ट कर देते हैं तो हमें आउटपुट नियर अबाउट 40 वोल्ट मिल जाएगा। ओके, 38 वोल्ट मिल रहा है। तो ये हमारा डीसी वोल्टेज कॉन्स्टेंट आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, इसे वेरिएबल बनाना है। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको यहाँ पे इस मल्टीमीटर को रिमूव कर लेना है और यहाँ पे ऐड करना है एक वोल्टेज रेगुलेटर जिसका नाम है LM317। ये LM317 है एक 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर का आप यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर है जिसकी मदद से 40 वोल्ट रेगुलेट कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर यूज करने वाले हैं 1.5 एम्पियर का और हम यहाँ पे THT मॉडल इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसे ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे 3 नंबर वोल्टेज रेगुलेटर का वोल्टेज इनपुट है, 1 नंबर एडजस्ट है एंड 2 नंबर आउटपुट है। एडजस्ट में आपको एक यहाँ पे पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है। तो पोटेंशियोमीटर ऐड करने के लिए आपको पोर्ट HG यहाँ पे टाइप करना है। देन यहाँ पे एक फिक्स रजिस्टर ऐड करना है। तो फिक्स रजिस्टर के लिए आपको यहाँ पे एक रजिस्टर ऐड कर लेना है। ओके, तो एक फिक्स रजिस्टर हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं एडजस्ट एंड आउटपुट के बीच में, जो कि यहाँ पे फीडबैक का काम करेगा। तो फीडबैक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो 240 ओम का हमने यहाँ पे एक रजिस्टर ऐड कर लिया है। एक पोटेंशियोमीटर 1
पोटेंशियोमीटर ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। ओके, तो ये पोटेंशियोमीटर हमने कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम 10K का पोटेंशियोमीटर ऐड करने वाले हैं। तो ये हो गया 10K का पोटेंशियोमीटर। और आउटपुट में एक फिर से एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ऐड कर देंगे, जो कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम करेगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 100 माइक्रोफेराडे का एक कैपेसिटर। ओके, और यहाँ पे इसे 63 वोल्ट का हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा 100 माइक्रोफेराडे एंड 63 वोल्ट का कैपेसिटर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कांस्टेंट आउटपुट, और यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे वोल्टमीटर, जो कि इंडिकेट करेगा यहाँ पे वोल्टेज। तो ये हो गया। फिर से हम यहाँ पे सिमुलेशन के लिए रेडी हो गए हैं। अभी हम फिर से सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे ताकि हमें यहाँ पे पता चले कि आउटपुट क्या मिल रहा है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो अभी हमें 7.79 वोल्ट मिल रहा है। जब आप यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को वैरी करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट वोल्टेज हमारा वैरी हो रहा है, जो कि यहाँ पे 1.15 वोल्ट से जब आप यहाँ पे इंक्रीज करते हो पोटेंशियोमीटर, तो आउटपुट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहा है। ओके, फिर से मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ तो वोल्टेज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो आप इस तरह से यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज पावर सप्लाई डिजाइन कर सकते हो यूजिंग LM317। ओके, इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव रेल में वोल्टेज का वेरिएशन चाहिए तो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हो LM339 की वोल्टेज रेगुलेटर IC। ओके, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो है यहाँ पे आपको वेरिएबल वोल्टेज पावर सप्लाई डिजाइन करना सिखाया है वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।